यू माई सीपीसीटी एग्जाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा आप सभी के लिए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। देखिएगा यहाँ पे हमारा जैसे वीडियो चलता है तो वो जो वीडियो चलता है उस वीडियो में आपको मतलब किस प्रकार से सब्सक्राइब करना होता है यहाँ पे आएंगे आप सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन ये प्रकार से मैं इसको जो है बोलता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको इस पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप कई सारी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप सभी की जो इंग्लिश टाइपिंग थी जो आपका पेपर हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका जो पेपर हुआ था यहाँ पे देखिए 3 अगस्त को है ना। तो 3 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था 2019 में यानी कि अभी 4-5 दिन पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो। तो यहाँ पे आपका जो टाइपिंग पूछा गया था वो किस प्रकार था मैं यहाँ पे आपको उसकी जो है बात करने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका जो इंग्लिश टाइपिंग होता है उसमें जो है आपको पास होने के लिए यानी कि आप समझ सकते हैं पास होने के लिए कितनी वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग लाना होती है। तो वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको यहाँ पे पास होने के लिए मिनिमम लाना होता है। अगर आप इससे ज्यादा लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। यहाँ पे देखेंगे आप मॉक है मॉक जो को आपको जो 5 मिनट का टाइम दिया जाता है 5 मिनट के टाइम में आपको जो है यहाँ पे कुछ इसकी जो लाइन होती हैं वो आपको टाइप करनी होती है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे 3 लाइन जो है आपको दिखाई दे रही होंगी ये लाइनें जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसका जो एक्चुअल होता है एक्चुअल यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके लिए टाइम जो दिया जाता है वो आपको दिया जाता है 15 मिनट। यहाँ पे 15 मिनट में आपको जो है टाइप करना होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं आपका आप जो है 4 ईयर तक जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगा। अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो आपका जो है वैलिड रहेगा 4 ईयर तक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कह लीजिएगा आप ज्यादातर डिप्लोमा बोलते हैं पर ये सर्टिफिकेट है तो ये जो है आपका 4 ईयर तक वैलिड रहेगा। अभी तक जो 2 ईयर का था यहाँ पे देखिएगा इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो जो है बना चुका हूँ वो भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से देखिए या वीडियो में देख के। यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग है आपका इंग्लिश टाइपिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको टाइम मैंने जो है बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइपिंग है वो किस प्रकार यहाँ पे आई हुई थी। तो ये जो टाइपिंग आई हुई थी ज्यादा हार्ड नहीं थी मतलब कुछ वर्ड जो थे ज्यादा बड़े नहीं थे सारा से ज्यादा 8-9 तक यानी ये जो है अपनी सिमट जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मोस्ट पीपल हैव नॉट कंट्रोल ओवर देयर इमोशनल वेल बीइंग है ना। तो ये काफी सरल वर्ड थे। तो यहाँ पे जैसे कुछ हैप्पीनेस थोड़ा बड़ा मिलता है आपको देखने को डिप्रेशन यहाँ पे कुछ बड़ा मिलता है देखने को इमोशनल थोड़ा बड़ा मिलता है और बाकी मैं समझता हूँ ऐसे हैप्पीनेस से तो कुछ कुछ वर्ड जो थे आपके यहाँ पे बड़े थे बट इतने डिफिकल्ट नहीं थे टफ नहीं थे तो आप जो है इसे बहुत आसानी से जो है टाइप कर सकते थे। अगर आप रेगुलरली जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा प्रैक्टिस करना बहुत ही आपको जरूरी है। यहाँ पे देखिए कुछ ये जो वर्ड बड़ा है यहाँ पे देखिएगा ये जो कुछ बड़ा है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मतलब बड़ा है तो कुछ कुछ वर्ड है जो मतलब आपको लग रहे होंगे बड़ा है पर इतने बड़े नहीं है आप इसे आसानी से टाइप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है वो देख के टाइपिंग का जो कंफ्यूज है वो आपका सभी का दूर हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका वीडियो को पॉज भी करके भी आप लेने लिया मैं आप सभी के लिए यहाँ पे थोड़ा रुक गया हूँ जिससे आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको क्या है आने वाले एग्जाम में आपको सीपीसीटी का जो एग्जाम दोगे उसमें आपको इंग्लिश के थ्रू जो टाइपिंग होगी उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल आसानी से बिल्कुल संतुष्टि मन से आपको देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको लेके आऊंगा फिर आपके एग्जाम जो हुए हैं उनके पेपर सॉल्यूशंस वीडियोस काफी आपको मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।